वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉम की पाठशाला लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था मेरा डे 5 एंड डे 6 कोविड जर्नी का, कि किस तरह से डे 5 एंड डे 6 पर मुझे फीवर नहीं हुआ, लेकिन डे 6 पर जिसको फीवर हो गया गुल्लू, इसको फीवर हो गया। जब ये दोपहर में सोकर उठी तो शी वॉज क्राइंग बैडली कि मम्मा मुझे पैरों में दर्द हो रहा है। इतने छोटे बच्चे के पैरों में दर्द होना वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि शायद इसको बॉडी एक हो रहा है। और फिर इसका जब टेम्परेचर मेजर किया तो इसको फीवर था, और इसको फीवर था 101। तो बिना देर किए हुए हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और इसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी, और इसको इवनिंग में माइल्ड कोल्ड एंड कफ भी स्टार्ट हो गया। 2 दिन इसको फीवर रहा और थर्ड डे हमें इसको फीवर रिड्यूसर नहीं देना पड़ा। एक मेंटली पीस था कि मुझे फीवर ठीक हो गया है और गुल्लू को भी ठीक हो गया है, तो बस अब मैं इंतजार कर रही थी कि कब मैं बाहर आऊंगी और कब गुल्लू को जप्पी और हगी करूंगी और गुल्लू का वो रिएक्शन कैप्चर करूंगी कि किस तरह से वो मुझसे 7 to 8 days बाद मिल रही है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन गुल्लू का फीवर ठीक होते होते किसको थ्रोट पेन स्टार्ट हो गया था, किसको थ्रोट पेन स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे? पापा को। और नेक्स्ट डे थ्रोट पेन के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर भी स्टार्ट हो गया है ना। इस बार का कोविड इतना इन्फेक्शियस था कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद भी, जैसा मैंने डे 1 से खुद को आइसोलेट कर लिया था, फिर मेरे रूम का एग्जॉस्ट फैन भी कंटिन्यूसली चलता रहता था, वेंटिलेशन प्रॉपर था रूम में, इसके बावजूद भी पहले मुझे फीवर हुआ, फिर गुल्लू को हुआ और गुल्लू के फिर पापा को हो गया। जैसे गुल्लू के पापा को फीवर हुआ, लकीली टेस्ट भी बुक हो गया, टेस्ट हो भी गया और रिपोर्ट भी आ गई, एंड रिपोर्ट वॉज पॉजिटिव। लेकिन ये था कि जिस तरह से मुझे फीवर हुआ और ठीक हो गया, गुल्लू को फीवर हुआ और ठीक हो गया, इसी तरह से इनको भी फीवर हुआ है और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने चाहने वालों की परीक्षा लेते हैं, तो बस वही परीक्षा शुरू हो गई थी। इनका फीवर रिड्यूसर लेने के बाद डाउन तो आता था, लेकिन वो 3-4 घंटे में फिर से इंक्रीज होने लगता था और 102, 103 इसी तरह से रहता था। एंटीबायोटिक का इतना हाई डोज लेने के बाद भी इनका जो फीवर है वो डाउन नहीं हो रहा था। कभी कभार बीच में ऐसा होता था कि जो टेम्परेचर है वो 98.7, 98.8 आ गया है, लेकिन वो फिर से धीरे 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 इंक्रीज होने लगता, यानी 3-4 घंटे ही ऐसा रहता था कि फीवर डाउन आ रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसा टाइम होता था कि अभी फीवर नहीं है ऐसा फील हो रहा है या ऐसा मेजर किया हो। मेरा कोविड टेस्ट नहीं हो पाया था तो इस वजह से ये मुझे भी रूम में नहीं आने देते थे, इनको लगता था कि कहीं इनकी वजह से मुझे कोविड ना हो जाए। लेकिन अगर टेस्ट हो गया होता मेरा तो ये था कि मुझे तो ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा तो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन टेस्ट नहीं हो पाया था तो बंदे के माइंड में ये था कि नहीं, मेरी वजह से इनको नहीं होना चाहिए क्योंकि गुल्लू मेरे साथ है और गुल्लू को परेशानी होगी तो फिर तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मेरी तरह इनको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट नहीं था, लेकिन जो सिचुएशन है वो डे बाय डे खराब होती जा रही थी। तो ये था कि कहीं लंग्स में इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रेथ को होल्ड करके देखो, ये सब किया। 6 मिनट वॉक टेस्ट में भी सेचुरेशन जो था वो ज्यादा डाउन नहीं था, 1 drop डाउन होता था तो उससे भी नहीं लग रहा था कि लंग्स में इन्फेक्शन है। फिर जो ब्रेथ होल्डिंग वाली एक्सरसाइज थी उसमें भी ये 30 to 40 seconds तक होल्ड कर लेते थे। लेकिन एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि हर 2 दिन में सेचुरेशन लेवल जो है वो एक एक पॉइंट ड्रॉप हो रहा है, और डे 7 पर इनका जो सेचुरेशन लेवल था वो 93-94 आ रहा था। तो 93-94 आ रहा था तो ये था कि अब तो थोड़ा सा और टेस्ट वेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो फीवर नहीं जा रहा है इतना हाई डोज लेने के बाद भी, और ऊपर से जो सेचुरेशन है वो ड्रॉप हो रहा है, 2-2 दिन के बाद एक एक पॉइंट ड्रॉप हो रहा है। तो हमने डे 8 पर ये प्लान किया कि ठीक है,
मॉर्निंग में जाकर हम लोग सीटी स्कैन कराएंगे और ब्लड टेस्ट कराएंगे। और डे सेवन पर रात को फीवर भी नहीं था, डे सेवन पर रात को फीवर नहीं था। और जो सेचुरेशन लेवल डाउन हुआ था 93-94 आ रहा था, वो भी इन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको 96 कर लिया। तो ये था कि ठीक है, सेचुरेशन लेवल भी ठीक है अभी और जो फीवर है वो भी नहीं है। लेकिन डे एट पर अर्ली मॉर्निंग इनको 103 से भी अबव फीवर था, 103.2 या 3 इनको फीवर था। और जो सेचुरेशन था वो 88-89 पर फ्लक्चुएट कर रहा था। बस परेशानी तो बहुत थी, लेकिन जब उसने हाथ थामा होता है ना तो आपको परेशानी से भी बाहर निकालता है। अदरवाइज अप्रैल मंथ में हॉस्पिटल अरेंज होना, बेड मिलना किसी मिराकल से कम नहीं था। जब मैं डॉक्टर से मिली एडमिट करने के बाद, नेक्स्ट डे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल से। फिर मैं गुल्लू को लेकर गई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि ऑप्शन नहीं था गुल्लू को कहीं पर छोड़ने का। तो जब मैं थर्ड डे पर ये कि क्या इनका मेडिसिन चल रहा है, कैसी तबीयत है, ये पूछने के लिए जब मैं गई हूँ, तो डॉक्टर ने बोला था कि ही इज ऑन हाई अलर्ट, कि अभी भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, हम ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, ये सब है। और जब नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे जब सीटी स्कोर पता चला कि सीटी स्कैन हुआ है और सीटी स्कोर ये है, तो भी जो सीटी स्कोर था वो भी हाई था। लेकिन मन में ये था कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, जिसे हम पूछते हैं, जिसे हम चाहते हैं, जिस पे हमें भरोसा है, वो बड़ा है। और इस टाइम में एक सॉन्ग ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। मैं आपसे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी करूँगी। जो प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल थी, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी, एक स्ट्रेंथ देता था मुझे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम छोटी है, भगवान बड़ा है। प्रॉब्लम छोटी है, भगवान बड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। वो साक्षात खुद नहीं आता, लेकिन वो मीडियम बनाता है। और उस टफ टाइम में उसने इतने सारे मीडियम मेरी हेल्प के लिए, मुझे पॉजिटिव स्ट्रेंथ देने के लिए भेजे, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स थे, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स थे, या फिर वो डॉक्टर जो गुल्लू के पापा का ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैंने बस ये सोचा था कि भगवान अब आपके ऊपर है, जो हाथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वो किसी इंसान के नहीं, वो भगवान के हैं। डॉक्टर्स की जो टीम थी उनमें से एक डॉक्टर काउंसलिंग करती थी, तो जब भी मैं जाती थी तो वो डॉक्टर इतना मुझे मोटिवेट करती थी, बोलती थी कि ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, सिटी स्कोर ऐसा है, हाई है सिटी स्कोर, नंबर सिटी स्कोर का नंबर ज्यादा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिटी स्कोर ज्यादा है तो बहुत चिंता करने की जरूरत है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि सिटी स्कोर 7 होता है, 8 होता है, उसके बाद भी बंदे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है और सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है। और हमने ऐसा भी देखा है कि सिटी स्कोर हाई है, सीवियर कंडीशन है, 19 है, 20 है, उसके बावजूद भी बंदा घर पे भी ठीक हो जाता है और अगर हॉस्पिटल आता है तो भी रिकवर कर जाता है। तो बस वो जो डॉक्टर बोलती थी ना, तो ऐसा लगता था कि वो मुझे भगवान ही बोल रहा है कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हुआ भी वही कि 7-8 डेज में इन्होंने बड़ा स्पीडी रिकवर किया। डॉक्टर बोलती थी मुझे कि नाउ ही इज मेंटली स्ट्रांग और बहुत अच्छे से वो रिकवर कर रहे हैं। और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम गुरु को देखा मेरे साथ, और उन्होंने ऐसा कुछ शायद ये सोचा कि इतने छोटे बच्चे को लेकर आई हैं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और बोला कि ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगी, बट आप मुझे इस एक उन्होंने मुझे पर्टिकुलर टाइम दिया कि इस टाइम पे आप मुझे कॉल करना, तभी मैं आपको अपडेट दे दूंगी क्या सिचुएशन है और क्या मेडिसिन चल रही है। तो वो उन्होंने वो किया और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने उस सिचुएशन में मुझे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि मुझे गुल्लू को बार बार हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना पड़ता। दूसरा ये कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी आ गई थी, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ कि मुझे गुल्लू को अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं होती थी। कि हालांकि हमें
ये था कि कोविड हो चुका है, लेकिन फिर भी इतने छोटे बच्चे को इतनी गर्मी में बाहर लेकर जाना, क्योंकि उस टाइम पे टैक्सी में भी जो एसी नहीं चल रहा था, कि जो गाइडलाइंस थी कि टैक्सी में आप विंडो वगैरह ऐसे बंद नहीं करेंगे, वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तभी आप टैक्सी चला सकते हैं, तो इतने छोटे बच्चे को इतनी गर्मी में लेके जाना मुझे भी ठीक नहीं लगता था। लगता था कि ठीक है अभी तो एक फीवर से रिकवर उसने किया है, फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो परेशानी तो है ही, एक तरफ ये हॉस्पिटल में है, ऊपर से गुल्लू की अगर कुछ तबीयत और खराब हो जाती है तो मुझे तो सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 डेज के बाद इनका फिर से टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको 1 वीक और आइसोलेशन करना है। 8वें दिन इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था तो मैं इनको हॉस्पिटल लेने गई। थैंक यू। और ये लड्डू की कृपा और उन पावरफुल प्रेयर्स का ही रिजल्ट है कि आज ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। देखो फ्लावर लेके आई आपके लिए। आ जाओ। अभी नहीं, अभी नहीं, रुको, आ जाओ। और जब टेस्ट दोबारा से कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। उस डे को हमने कैसे सेलिब्रेट किया ये बताएंगे हमारी नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अगर आपको हमारी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।